परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी आओ जो अज श्री दरबार साहिब श्री हरिमंदर साहिब दीन दुनिया दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया ने जो श्री मुखवाक साहिब जिया की बख्शिश की है उस हुक्मनामा साहिब जिया दे आपां अखरी अर्थ सरवण करिए विचार की आरंभता तो पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया के चरणों में हाजरी लवाते हुए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिया वालों बख्शिश की हुई फतेह बुलाइए कोई भी रसना बांझी ना रहे सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है जिन्हां भी संगतां ने साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो साडा चैनल जरूर सबसक्राइब करो क्योंकि असी इस चैनल ते हर रोज़ जो सतगुरु जी श्री दरबार साहिब श्री हरिमंदर साहिब श्री हुक्मनामा साहिब जिया की बख्शिश करते हैं उस हुक्मनामा साहिब जिया के असी अखरी अर्थ हर रोज़ अपलोड करते हैं। आओ अज सतगुरु जी साढ़े ते की रहमत कर रहे ने साढ़े ते की बख्शिश कर रहे ने सरवण करिए जी। सलोक महला तीजा अज दा मुख वाक निमाणिया दे माण निताणिया दे ताण न्योटिया दी ओट न्यासरिया दे आसरे सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जिया ने अपनी रसना तो उचारण किया होया है। ये शब्द सतगुरु जिया ने राग सोरठ विच उचारिया है ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया विच 651 अंग ते ये शब्द सुभाए मान है। अरे जन उथारे दबे ओहो सुतियां गई विहाए अरे जन उथारे दबियो उथारे तो भाव है दिल उत्ते दबाओ जो कई बार सुते पिया साडा हाथ साडी छाती उत्ते रखिया जांदा है ते साडे दिल नूं इउं लगदा भी बहुत किसे ने साडे दिल उत्ते भार पा दिता उहनूं उथारे किया जांदा है। जां जिहड़ा बरड़ाउंदा है रात नूं सुते पिया उहनूं भी उथारे किया जांदा है। महाराज कहिंदे मोह रूप उथारे दे दब्बे होए ऐ भाई तेरी उम्र सुत्यां ही गुजर गई है सुत्यां गई वहाए वहाए तो भाव है गुजर गई तेरी उम्र सुत्यां ही लंघी जा रही है दिन ते पहर पहर ते घड़ियां आद घटै दिन शीजै तेरी उम्र घट रही है दिन ते पहर हर रोज एक एक घड़ी करके तेरी उम्र घटदी जा रही है। सतगुर का शब्द सुन ना जागियो अंतर ना उपजियो चाओ सतगुर का शब्द सुन ना जागियो पूरे सतगुरु जिया दा शब्द सुन के तेनू जाग नहीं आई तेरा अंदर जागिया नहीं तू पूरे सतगुरु जी दा शब्द सुन के भी अंदरों सुत्ता ही पिया है। जिन्हों महाराज जिया ने बाणी विच आख्या जाग लेहो रे मना जाग लेहो कहां गाफल सोया केड़ी गूड़ी नींद विच सुत्ता पिया है अपने मन नूं जगा गुरु जी दा शब्द सुन के तेरा मन नहीं जागया अंतर ना उपजो चाओ ते ना ही हिरदे विच नाम जपण दा चाओ पैदा होया ना ही तेरा मन परमात्मा दे रस्ते ते तुरना शुरू होया तेरे मन विच परमात्मा प्रति चाओ नहीं परमात्मा दे नाम जपण प्रति तेरे मन विच खुशी नहीं पैदा हुंदी क्योंकि तू मोह रूपी चिकड़ विच फसिया होया तेरे दिल उत्ते मोह रूपी भार पिया होया है।
ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਜਾਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਵੀ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਉੱਠ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਸਰੀਰ ਜਲੋ ਗੁਣ ਬਾਹਰਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਾਰ ਨਾ ਕਮਾਏ। ਸਰੀਰ ਜਲੋ ਗੁਣ ਬਾਹਰਾ, ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਸਰੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜ ਜਾਏ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਾਰ ਨਾ ਕਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਸਰੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜ ਜਾਏ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਡਿੱਠ ਮੈਂ, ਹਉ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਡਿੱਠ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਜਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸੜਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਹਉਮੈ ਦੂਜੇ ਪਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਲਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਸੜਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਉਭਰੇ, ਸੱਚ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਉਭਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰ ਕੇ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਭਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਮੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਸੱਚ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਏ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਿਆਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ? ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਹੋ ਮੈਂ ਗਈ, ਸੋਭਾ ਬੰਤੀ ਨਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਹੋਮੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਮੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਮੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਰੱਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੰਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਮੇ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਤਿਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਰਕੈ ਭਾਣੇ ਸਦਾ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸਿਗਾਰ। ਪਿਰਕੈ ਭਾਣੇ ਸਦਾ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਨਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸਿਗਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਫਲ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਰਕੈ ਭਾਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਦਾ ਪਿਰ ਰਾਵੈ, ਹਰ ਵਰ ਪਾਇਆ ਨਾਰ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਦਾ ਪਿਰ ਰਾਵੈ,
जीव रूपी इस्त्री ने प्रभु पति नू लभ लिया। केड़ी ने जेड़ी जीव रूपी इस्त्री अपने मन विचों होमे दा रोग कढ़ लैंदी है, शब्द विच रंगी जांदी है, सतगुरु जी दे दसे होए रस्ते ते चलदी है। महाराज कहिंदे ओ जीव रूपी इस्त्री परमात्मा पति नू लभ लैंदी है। उस दे हिरदे रूप सेज सुंदर है, सेज सुहावी, ओदा ही हिरदा सुंदर है, सदा पिर रावै। जेड़ी जीव रूपी सदा ही परमात्मा दे रंग विच रंगी रहिंदी है, हर वर पाया नार उनू ही प्रभु पति मिल पैंदा है, प्राप्त हो जांदा है। ना हर मरे ना कदे दुख लागे, सदा सुहागण नार। ना हर मरे ना दुख लागे, सदा सुहागण नार। ओ इस्त्री सदा सुहाग वाली है, सुहागण है, वड्डे कर्मा वाली है, क्योंकि उसका पति प्रभु कदे मरदा नहीं, इसलिए वो कदे दुखी नहीं होंदी। परमात्मा कदे भी खत्म होण वाला नहीं, परमात्मा ने सदा ही ये धरती ते अटल रहना है। बाकी हर एक चीज जेड़ी असी इन्हां अखां दे नाल देख रहे हैं, वो हर एक चीज ने खत्म हो जाना है, पर परमात्मा ही है जिन्हें कदे भी ये संसार चों खत्म नहीं होना। ते जेडे परमात्मा वाहिगुरु जी का नाम जपते है, वह जीव रूपी इस्त्रियां भी फिर कदे भी खत्म नहीं होंदियां, उन्हां दा भी नाम सदा ही अटल रहिंदा है। महाराज कहिंदे ना हर मरै, हरी ने कदे नहीं मरना, ना दुख लागे, जे उन्हें मरना नहीं तां फिर जीव रूपी इस्त्री नूं कदे दुख नहीं लग सकदा। नानक हर प्रभ मेल लई, गुर कै हेत प्यार। नानक हर प्रभ मेल लई, गुरु दे प्यार विच इस दी बिरती होण करके प्रभु ने अपने नाल इस नूं मिला लिया है। गुर कै हेत प्यार, गुर कै हेत प्यार तों भाव है जिहदा प्यार गुरु दे नाल बन गया। नानक हर प्रभ मेल लई, गुरु ने उन्हूं परमात्मा दे नाल मिला दिता। पौड़ी जिना गुर गोपिया अपना, ते नर बुरियाई। बुरियाई तो भाव है भैड़ी। जिना गुर गोपिया अपना, गोपिया तो भाव है निंदिया कीती। जिन्हां ने अपने पूरे सतगुरु जी दी, अपने प्यारे दी निंदिया कीती, ते नर बुरियाई। महाराज कहिंदे ओ बहुत भैड़े हन। हर जियो तिन का दर्शन ना करहो, पापिष्ट हत्यारी। हर जियो रब मेहर करे, पापिष्ट तो भाव है बहुत पापी जेड़े है। सतगुरु जी कह रहे हैं हर जियो तिन का दर्शन ना करो, रब मेहर करे मैनू उना दे दर्शन कदे भी ना होन। किना दे जेड़े अपने पूरे सतगुरु जी दी निंदिया करदे हन, सतगुरु जियां नू माड़ा बोलदे हन, पापिस्ट हत्यारी। महाराज कहिंदे ओ पापी हन ते बड़े वड्डे हत्यारे हन। ताही सिख हर रोज अरदास अंदर यही महाराज जी कोलों दान मंगदा है, यही अरदास करदा, महाराज कृपा करियो अपने नाल जुड़िया दा संग बख्शियो, मैनू उन्हां दा कदे भी संग ना होवे, कदे भी संगत ना मिले, मैं उन्हां दी संगत विच कदे ना बैठा। महाराज जेडे थवाड़ी निंदिया करदे है, जिन्हां ने थवाड़े तो मुख मोड़िया होया है, जेडे नास्तक इंसान है, मैनू कदे भी उन्हां दी संगत ना बख्शियो। मैनू किन्हां दी संगत बख्शो, सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम जितावे।
मैनू उन्हां दी ही संगत प्राप्त होवे जिन्हां नूं मिलन करके महाराज मैनू तुहाडी ही याद आवे। हर जियो तिनका दर्शन ना करहो, महाराज कहिंदे उन्हां दा दर्शन कदे भी भुल के ना करो जिहड़े अपने पूरे सतगुरु जी की निंदिया करदे हन। पापिस्ट हत्यारी, वह बड़े वड्डे पापी हन ते हत्यारे हन। ओह घर घर फिर है एक सुध मन, ज्यों धरकट नारी। कसुध तो भाव है खोटे, धरकट तो भाव है विविचारन। ओ घर घर फिर है एक सुध मन, मनो खोटे ओ आदमी विविचार इस्त्री वांग घर घर फिरदे हन। जेड़ी इस्त्री दा कोई जीवन नहीं हुंदा, महाराज कहिंदे ओ इंसान नूं इउं समझो, ओ विविचारन इस्त्री दे वांग है जेड़े अपने गुरु दी निंदिया करदे। वडभागी संगत मिले गुरमुख सवारी। वडभागी संगत मिले, वडभागी मनुख सतगुरु दी निवाजी होई गुरमुखां दी संगत विच मिलदे हन। जिन्हां दे वड्डे भाग है उन्हां नूं रब नाल जुड़े होए गुरमुखां दी संगत मिलदी है। सतगुरु जी नाल जुड़े होए गुरमुखां दी संगत विच उह जांदे हन। हर मेलो हो सतगुरु दया कर, गुर कौ बलिहारी। हर मेलो हो सतगुरु दया कर, महाराज मेरे ते भी कृपा करो, मेरे ते भी रहमत करो, मैनू उन्हां गुरमुखां दी संगत मिल जाए जेड़े तुहाडे घरों नवाजे हुए हन, जेड़े तुहाडे नाल दिलों जुड़े हन, जेड़े तुहाडे नाम विच रंगे हुए हन। मैं उन्हां तों सदा ही सदके जांदा हां, मैं सदके हाँ सतगुरां तों। मेहर करके सतगुरु ने मैनू मिला लिया है। हर मेलो सतगुर दया कर, महाराज कृपा करो, मैनू दया करके अपने नाल मेल लो। गुर कौ बलिहारी, मैं थोड़े तो सदा ही बलिहार जांदा। महाराज मैनू असल विच यह पता लग गया, पूर्ण गुरु तो बिना हिरदे विच प्रकाश नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं आ सकता। जेड़े सतगुरु जी नाल नहीं जुड़े महाराज, वह विविचारण इस्त्री वांग हन। उन्हां दा संसार विच आए दा कोई लाभ नहीं है, वह सुते ही रहिंदे हन जेड़े सतगुरु जी दे नाम विच नहीं रंगे रहिंदे। जेड़े पूर्ण सतगुरु जी दे रस्ते ते नहीं चलदे महाराज, वह जेहो जे आए जेहो जे ना आए एक बरोबर है। वह इहो जे हन जिवें शरीर विच सवास भी होण ते शरीर मुड़दा होवे। महाराज मैनू कृपा करो, अपने नाल हमेशा ही जोड़ के रखो। महाराज कहिंदे इहो जे गुरु तों सदा ही बलिहारे जाणा चाहीदा जिन्हें अपनी मेहर करके अपने चरणां दे नाल सदा वास्ते सानू जोड़ के रखिया होया। सो गुरमुखो, ये सन जो सतगुरु जियां ने श्री मुख वाक साहिब जियां दी बख्शिश कीती है, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे अखरी अर्थ जो आप जियां ने सरवण कीते हन जी, विचार करदे समय एक नई बेअंत भुल्लां हो गईयां, अणजाण बच्चे समझ के माफ करना। भुल्लां साडी झोली विच पा दिओ, उपदेश मेरे सतगुरु जी दा जाण के अपने हिरदयां दे अंदर वसा लिओ। गुरु वाले बनो, अमृत छको जी, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।